हेलो बच्चों, मैं ब्रिजलाल साहू। आज हम यहाँ पर दसवीं कक्षा में चैप्टर 3 धातुएं एवं धातुकर्म, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं इसमें धातुएं क्या हैं, इसको हम पहले समझें इसमें, और दूसरा हमारा जो इस चैप्टर में टॉपिक है वह धातुकर्म है। तो एक एक शब्दों को हम समझने का प्रयास करें, उसके बाद हम उनको और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसमें धातुएं क्या हैं। अंग्रेजी में इसको अपन मेटल कहते हैं। मेटल यानी धातु, और धातुएं का मतलब है इसमें अंग्रेजी में मेटल्स कहेंगे इसको। तो सर्वप्रथम हम देखें इसमें, आपने कक्षा 9वीं तक यह समझा है इसमें कि हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। यदि बनावट की दृष्टि समझे इसमें, पदार्थ के बारे में मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। आखिर धातु भी एक पदार्थ है, ठीक है, और उस पदार्थ को जिसको अपन अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। तो पदार्थ जो है मुख्य रूप से यदि बनावट की दृष्टि समझे अपन तो 3 प्रकार से होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जिसके बारे में हमने कक्षा 9वीं में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो तत्व जिसको अंग्रेजी में हम एलिमेंट कहते हैं, थोड़ा समझें इसको अपन, एलिमेंट। यौगिक जिसको अपन अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, बहुवचन में एस जुड़ जाते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। और मिश्रण जिसको अंग्रेजी में अपन मिक्सचर कहते हैं, MIXTURE। तो यहां पर समझे अपन ये तत्व क्या है, एक के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये हमारे आसपास सभी पाए जाते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, या ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। इसको अपन तत्व कहते हैं, इसको अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। अब देखें इसमें परमाणु जिसको अपन सामान्यतः समझते हैं, इसमें हमारे 9वीं कक्षा के चैप्टर में हम इसको अध्ययन कर चुके हैं। किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसको और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते, इसको हम परमाणु कहते हैं। और उसी परमाणुओं से ही मिलकर के जो बनता है उसे क्या कहते हैं? अपन तत्व कहते हैं इसमें, ठीक है। और इस तत्व को हम यहां पर समझने का प्रयास करें कि जो तत्व होते हैं इसमें से 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें तत्व। और तत्व जो है इस प्रकार से हम इसका और वर्गीकृत करें अपन, तो गुणों के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। लेकिन हमने कक्षा 9वीं में सीखा है कि एक हमने टॉपिक पढ़ा था आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या है? तत्व जितने ज्ञात हैं अभी तक, ऐसे वैज्ञानिकों ने 114 से अधिक तत्व खोज बता चुके हैं, हमको बता चुके हैं, उन्होंने अध्ययन कर चुके हैं, खोज हो चुकी है। करीबन कितना है? 114 से अधिक तत्व अभी तक की स्थिति में, जिसको अलग अलग आवर्त सारणी में कहीं पर 109 तत्वों को दिखाया गया है, कहीं पर 114 तत्वों को दिखाया गया है, कहीं कहीं पर 113 तत्वों को दिखाया गया है, कहीं कहीं 119 तत्वों को भी आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिला हुआ है इसमें। लेकिन हम यहां पर समझने का प्रयास करें, ये जो 114 तत्व हैं इनको हमको एक साथ अध्ययन करना है। तो रसायन में इनको एक साथ
अच्छे वैज्ञानिक दृष्टि से समझने के लिए उनको आवर्त सारणी में वर्गित किया गया इसमें, और उसके आधार पर यदि गुणों के आधार पर समझें इसमें, तो गुणों के आधार पर हम इन तत्वों को तीन भागों में बांटते हैं। एक को पहले तो प्रारंभ में दो ही प्रकार के गुण बताए गए थे तत्व। एक पहला इसमें है जिसके गुण के आधार पर हम इसको नाम देते हैं इसमें धातु। पहला क्या है? धातु, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मेटल, METAL। यदि बहुवचन की बात करेंगे तो मेटल्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक तत्व है जिसका नाम होता है अधातु। अंग्रेजी में इसको नॉन मेटल कहते हैं, नॉन मेटल। एस लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, अधातुएं हो जाएंगे, धातुएं हो जाएंगे इसमें। ये दो हैं सामान्यतः, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी प्राप्त हुए, जैसे कुछ उदाहरण देता हूं मैं। धातु जिसको हम लोग दैनिक जीवन में हम घरों में या हमारे आसपास देखते हैं, जैसे अधिकांश घरों के जो दरवाजे होते हैं आप देखेंगे शहरों में खास करके, वो लोहे के अधिकांश बने होते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए धातुओं के अंतर्गत में यहाँ पर लोहा, जिसको अपन संकेत के रूप में कहते हैं, तो इस प्रकार से एफ ही लिखते हैं ऐसा, ठीक है ना, कैपिटल एफ स्मॉल ई, क्योंकि ये जो है एक पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, और पदार्थ होने खातिर इसमें अपन इसको सामान्य में नाउन कहते हैं। यदि अंग्रेजी की बात करें अपन, है ना, नाउन। नाउन क्या होते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन आर थिंग्स, वस्तु के नाम भी हो सकते हैं। तो एक लोहा एक वस्तु है जिसको अपन अभी तत्व के अंतर्गत रख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको जब लिखते हैं तो नाम का पहला जो लेटर होता है अंग्रेजी में वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप यदि ऐसा लिख दिए स्मॉल एफ कर ले तो, और ऐसा स्मॉल लिखेंगे तो गलत है, ठीक है, ऐसा हमको लिखना नहीं है, हमको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। और बाकी और जो नाम आएंगे, मान लो कोई दो शब्द में दो अक्षरों में है तो स्मॉल लेटर में आगे होगा इसमें, अब एक ही है तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको स्मॉल लेफ ही ऐसा लिखना नहीं है, लोहा हो गया। उसी प्रकार से चलें अपन घरों में हम आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं दो प्रकार से, एक को कहते हैं सोना और एक को कहते हैं चांदी, ठीक है। तो जो सोना है इसको अपन स्वर्ण कहते हैं, यहाँ पर हिंदी में शब्द और कहेंगे इसको स्वर्ण, जिसको अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, जिसको संकेत के रूप में ऐसा ए यू कैपिटल ए स्मॉल यू लिखते हैं। ये धातुएं हैं, ठीक है। अधातु के अंतर्गत हम देखें इसमें कुछ अधातुएं जिसको अपन ऐसा और ढेर सारे हैं, तांबा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ये ढेर सारे हमारे पास धातुएं हैं जिनके बारे में हम आज इस चैप्टर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें अधातु के अंतर्गत एक कुछ उदाहरण लेता हूं मैं, ऐसे और ढेर सारे हैं, ठीक है। अधातु को हम देखें इसमें जैसे गैस के रूप में हमारे वातावरण में मुख्य से सर्वाधिक प्रतिशत की मात्रा से अपन देखेंगे तो कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन जो गैस है उसका जो संकेत है यदि तत्व की दृष्टि समझे तो N लिखते हैं अपन, नाइट्रोजन। ऐसे ऑक्सीजन उसका जो तत्व की स्थिति में हम देखते हैं परमाणु के रूप में तो क्या लिखते हैं अपन? O लिखते हैं। ऐसे और ढेर सारे अधातु हैं जिनको हम इस दसवीं कक्षा में अलग से चैप्टर में अधातु के नाम से अपन पढ़ने आ रहे हैं इसमें। तो पहला हमको यहां पर देखना है इसमें धातु और अधातु। लेकिन बाद में कुछ तत्व ऐसे भी प्राप्त हुए जिनके गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते हैं, ठीक है। धातु का जो गुण है और अधातु के जो गुण है वो साथ साथ मैच करते हैं, समानता दर्शाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसीलिए बाद में तत्वों को तीन प्रकार से वर्गित किया गया। तो तीसरा नाम यदि अपन देखें इसमें तो उसको अपन बोलते हैं उपधातु। पहले तो प्रारंभ में दो प्रकार से नाम दिया गया लेकिन गुणों के आधार पर तीसरा प्रकार का जो तत्व है उसको क्या कहते हैं अपन? उपधातु कहते हैं। तीसरा है उपधातु, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेटलॉइड, ठीक है। जैसे एक दो उदाहरण लेते हैं अपन समझने के लिए, जैसे आर्सेनिक, इसको संकेत में अपन इस प्रकार से AS लिखते हैं अपन, आर्सेनिक। एंटीमनी जैसे यहां पर है SB,
आदि, ऐसे और भी कुछ तत्व हैं जिनको हम गुणों के आधार पर उपधातु कहें। उपधातु का मतलब है जिसमें धातु के भी गुण हैं और अधातु के भी गुण हैं, ठीक है। लेकिन आज हमें इस चैप्टर के अंतर्गत केवल किसके बारे में पढ़ना है, अपन को धातु के बारे में ही पढ़ना है इसमें अलग से। तो क्यों ऐसा वर्गीत किया गया इसमें, क्योंकि इनके जो गुण हैं उनके आधार पर हम रसायन में सरलता से अध्ययन कर सकें, इसलिए उसको अलग अलग प्रकार से गुणों के आधार पर आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है, ठीक है। तो चलें अपन इसमें धातु किसे कहते हैं अपन पहले समझ लें, ठीक है। पहले अपन इसकी परिभाषा समझें। अपन दैनिक जीवन में उदाहरण आपको बता चुका हूं मैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, ये हम चारों ओर इसको देखते हैं इसमें। तो धातु की परिभाषा क्या है पहले समझें अपन, इसमें धातु किसे कहते हैं। रसायन की दृष्टि से धातु को अपन यदि समझने का प्रयास करें तो कोई भी जो तत्व है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तत्व कैसा तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको अपन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं, मुक्त या स्वतंत्र। तो ऐसा तत्व जिसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन रहते हैं या मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और साथ ही साथ दूसरा अपन देखें इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन अनायन बनाते हैं, उनका सामान्य जो गुण है इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धन अनायन बनाते हैं इसमें। तो दूसरा यहां पर समझें इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन अनायन बनाते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम धातु कहते हैं, रसायन की दृष्टि से परिभाषा है। ऐसा तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग करके वह धनायन में आता है, ऐसे जितने भी तत्व हैं इन सब को हम एक साथ धातु या मेटल और बहुवचन में इसको धातुएं कहते हैं। तो चले अपन कुछ उदाहरण को लेकर के इसमें और कौन कौन से गुण आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर एक उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं इसमें जैसे सोडियम। सोडियम एक धातु है, क्यों धातु है, क्योंकि इसका जो गुण है खास दो गुण, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको अंग्रेजी में फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वह धनायन बनाते हैं, इसीलिए यहां पर सोडियम क्या है धातु है। कैल्शियम कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, तत्व तो है लेकिन वह धातु है, क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं। जैसे लोहा, चांदी जिसको अपन एजी लिखते हैं, सिल्वर, ऐसे ढेर सारे तत्व हैं जिन्हें हम धातु कहते हैं इन्हीं दो गुणों के कारण से। तो रसायन की दृष्टि से परिभाषा में हो गया ऐसा तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं इलेक्ट्रॉन त्याग करके वह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनका मूल स्वभाव है। तो ऐसे सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं अपन, धातु कहते हैं या धातुएं कहते हैं इसमें। अब आगे चले अपन इन धातुओं के बारे में हमारे जो आवर्त सारणी में है, क्योंकि हम आवर्त सारणी वैज्ञानिकों ने क्यों बनाया, तत्वों को अधिक सरल रूप से समझने के लिए आसान हो, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, तत्वों का वर्गीकरण कर दिया है और उसी तत्वों का वर्गीकरण ही आवर्त सारणी के रूप में हमको रसायन में प्राप्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में धातुओं की जो स्थिति है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में अपन समझें इसमें। आवर्त सारणी में जिसको अपन अंग्रेजी में पीरियाडिक टेबल कहते हैं,
आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति, स्थिति का मतलब कौन से स्थान पर है उसका पोजीशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्थिति को, पोजीशन कहते हैं यहां पर। तो पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल। तो देखें अपन आवर्त सारणी को अपन नवीं कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, चार खंडों में बांटा गया है। एक खंड को अपन इस प्रकार से, केवल सामान्य रूप से समझाने की इस प्रकार से बना रहा हूं, जैसे हम पढ़ते इस प्रकार से ऐसा यहां पर रहता है सामान्य रूप से, ए वर्ग एक और यहां पर इस प्रकार से वर्ग दो, जिसको अपन समूह भी कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं। कुल मिलाकर के आवर्त सारणी को 18 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 18 वर्गों में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर। अब देखिए यहां पर इसको अपन एक साथ कहते हैं अपन एस ब्लॉक, क्या कहते हैं इसको, एस ब्लॉक। ये दोनों वर्ग एक और वर्ग दो को हम एस ब्लॉक में, दोनों का भी समेकित रूप से एक साथ यहां पर लिख रहा हूं एस ब्लॉक। ब्लॉक को अपन सामान्यतः हिंदी में खंड कहते हैं, ठीक है ना, एस खंड, चार खंड हैं, एस खंड या एस ब्लॉक तत्व तो कहेंगे इसमें। एक एक को मैं पहले समझा देता हूं, इसमें सामान्य से जो आवर्त सारणी में एक साथ स्थान में है। यदि वर्ग एक की बात करें तो इसमें खास करके तत्व तो है हाइड्रोजन, इस प्रकार से आपको मिलेगा इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, ये आर भी लिखते हैं इसको, उसी प्रकार से सीजियम, इसको सीएस लिखते हैं, और एक तत्व है फ्रांसियम जिसको अपन एफ आर लिखते हैं। ये तत्व के नाम हैं। तो यहां पर मैं वर्ग एक की बात करूं, इसमें वर्ग एक में हाइड्रोजन से लेकर के यहां पर फ्रांसियम है इसमें, ठीक है। तो देखिए इधर हाइड्रोजन जो है यहां पर अधातु है, इस वर्ग एक की बात कर रहा हूं यहां पर, ये जो हाइड्रोजन है यह अधातु है। अभी जो परिभाषा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसा इसमें प्रवृत्ति नहीं पाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसके बाहरी कोष में कितने टन हैं उसके आधार पर भी आवर्त सारणी को रखा गया है। तो उसमें वह वर्ग एक के तत्वों से मैच करता है, समानता रखते हैं, इसीलिए इसको वर्ग एक में रखा गया है, अन्यथा इसका गुण कैसा है, ये अधातु है। बाकी जो है लिथियम से लेकर के यहां पर फ्रांसियम तक, ये पूरे के पूरे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी के सभी क्या है यहां पर, धातु हैं, इसमें मेटल्स हैं इसमें। इनका परमाणु क्रमांक थोड़ा समझने का प्रयास करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहां पर जो लिखा जा रहा है परमाणु क्रमांक है एक, लिथियम के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे 3, सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे 11, पोटेशियम का 19, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, ये 19 है। उसी प्रकार से रूबीडियम यदि बात करें इसमें तो ये 37। सीजियम की बात करेंगे इसमें तो इसका है इसमें 55। और फ्रांसियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 87। ये इनका परमाणु क्रमांक है। ये एस ब्लॉक में वर्ग नंबर एक, क्योंकि एस ब्लॉक में केवल दो ही वर्ग हैं, तो ये सभी तत्व क्या है यहां पर, मैं अभी जितने नाम बताया हाइड्रोजन को छोड़ करके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये धातु हैं। आइए चलें अपन ग्रुप नंबर 2, इसको एक साथ और हम कहते हैं क्षारी धातु। क्या कहते हैं इसको? क्षारी धातु। हाइड्रोजन नहीं है लेकिन वर्ग एक को हम क्षारी धातु कहते हैं, क्षारी धातु, एल्केली मेटल अंग्रेजी में। वर्ग 2 की बात करें अपन इसके जस्ट आगे, परमाणु क्रमांक 3 से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा परमाणु क्रमांक 4, इसका नाम होता है बेरिलियम, ठीक है। परमाणु क्रमांक 11 से आगे चलेंगे 12, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम, जिसको संकेत में एमजी लिखते हैं 12। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20। उसी प्रकार से यहां पर चलेंगे स्ट्रॉन्शियम SR, इसका परमाणु क्रमांक होता है 38। और 55 के आगे अपन चलेंगे तो 56, जिसको अपन बेरियम कहते हैं BA,
कैपिटल भी स्मॉल है, इसका परमाणु क्रमांक है 56। और यहाँ पर रेडियम जिसको अपन आर ए लिखते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक है यहाँ पर, उससे जस्ट एक एक अपन आगे जोड़ते आएंगे, तो ये सभी के ग्रुप नंबर दो वाले जितने भी तत्व हैं ये भी सभी धातु हैं। तो वर्ग एक में हाइड्रोजन को छोड़कर के बाकी शेष धातु हैं, और वर्ग दो में सभी के सभी इसमें धातु हैं। तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु हैं, और जितने भी ज्ञात तत्व हैं उसमें से 75% से भी अधिक जो तत्व हैं वह धातु के रूप में माना गया है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका जो मूल गुण है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो पाई जाती है। इस कारण से 75% से भी अधिक तत्व धातु के अंतर्गत माने गए इसमें। आइए चले अपन इसको एक साथ और नाम अपन देखेंगे वर्ग दो को। जैसे वर्ग एक को क्षारी धातु कहते हैं, उसी प्रकार से वर्ग दो के जितने तत्व हैं इसको अपन क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु, एल्केली अर्थ मेटल, यह मिट्टी में मुख्यतः पाए जाते हैं, मिट्टी के समान कठोर होते हैं और इसका गुण क्षारी होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्षारी मृदा धातु कहते हैं। तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ करके शेष सभी तत्व धातु हैं। इसके आगे चले अपन एस ब्लॉक से आगे आते हैं पी ब्लॉक। मैं इसको अलग अलग खंडों में यहां पर बना करके दिखा रहा हूं क्योंकि एक साथ इसमें ढंग से हमको समझ नहीं आएगा। वर्ग नंबर 13 ये समूह है, इसी को वर्ग कहते हैं, वर्ग या समूह, जिसमें 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो समूह है इसको अपन पी ब्लॉक कहते हैं। स्मॉल पी लिखते हैं, यहां पर स्मॉल एस है, एस ब्लॉक को स्मॉल एस ब्लॉक ऐसा लिखेंगे, पी ब्लॉक, या इसको हिंदी में और कहें अपन तो पी खंड कहते हैं इसको। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत हम यहां पर समझेंगे इसमें समूह नंबर 13 से लेकर के समूह नंबर 18 तक, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, जिसको अपन 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब कौन कौन से तत्व हैं इनको भी आपने अध्ययन किया है कक्षा 9वीं में, तो एक नजर यहां पर देखते हैं 13वें समूह में खास करके, इसको अपन इसके ठीक आगे है बोरान बेरिलियम के आगे, परमाणु क्रमांक 5 बोरान, उसी प्रकार से चलेंगे इसमें तो आपको मिलेगा इसमें एल्यूमिनियम, उसी प्रकार से चलेंगे तो आपको मिलेगा इसमें गैलियम, इंडियम जिसका संकेत IN होता है, और उसी प्रकार से थेलियम TL, इस प्रकार से ये नाम है, इसको अपन 13वें समूह में रखे हुए हैं इसमें। आइए हम पी ब्लॉक के बारे में समझ रहे हैं इसमें। 13वें समूह में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब आगे चलें 14वें समूह की बात करें, जिसको अपन कार्बन परिवार कहते हैं, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, संकेत के रूप में इस प्रकार से GE होता है, टीन जिसको अपन SN लिखते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर 14वें समूह में अंतिम में है लेड, जिसको PB कहते हैं। यदि परमाणु क्रमांक की दृष्टि देखें अपन तो ठीक इसके आगे 4 के आगे 5, मैग्नीशियम 12 था, एल्यूमिनियम का 13, यहां पर देखिए आगे ये 20 के बाद में आगे 21 से 30 तक अलग बीच में है, वो उसके आगे में है 31, इसका परमाणु क्रमांक है इसका। अपन चलिए इंडियम तो ये 49, इसको 49 कहते हैं अपन, और थेलियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 81। आगे चलें उसके ठीक आगे 5 के आगे 6 कार्बन का, 13 का के आगे 14 सिलिकन है, जर्मेनियम 32, टिन का परमाणु क्रमांक होता है 50, और लेड का परमाणु क्रमांक होता है 82। इसके आगे चलें अपन समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और एक होते हैं इसमें बिस्मथ।
परमाणु क्रमांक की दृष्टि से लें अपन, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, बिस्मत का 83। अब चलें अपन देखें इसमें, इस पी ब्लॉक में खास करके इतने में आएंगे, इसमें पी ब्लॉक में तीनों तत्व हैं, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। जिसमें से अपन चलते हैं इसमें, मेरे को अभी धातुओं को चिन्हांकित करना है पहले। तो धातु कौन कौन से हैं इसमें, यहां पर इस प्रकार से एक संकेत देता हूं, उसमें गोला के रूप में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सभी धातु हैं। ठीक है, जो मैं गोला बना रहा हूं समझने के लिए, ये सभी धातु हैं, बोरान धातु नहीं है। आगे चलें 14वें समूह में, यहां पर खास करके दो तत्व टीन और लेड, ये टीन इसका परमाणु क्रमांक 50 है, लेड इसका परमाणु क्रमांक 82 है, ये भी धातु है। ठीक है, समूह 15 की बात करें तो इसमें खास करके जो बिस्मत है जिसका परमाणु क्रमांक 83 है, वह भी धातु है। ये भी यहां पर गोला बनाऊं, ये सभी धातु के रूप में हमको जानना है इसमें। वर्ग एक में हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी सभी धातु हैं, और 13वें समूह, 14वें समूह, 15वें समूह में जिसको भी मैं यहां पर चिन्हांकित किया हूं, ये सभी क्या है, धातु हैं। ठीक है, इसमें हम जो धातु की परिभाषा पढ़ते हैं, उस इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वह धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए वह धातु है मुख्य रूप से। आगे चले अपन तो आवर सारणी में पी ब्लॉक में भी तत्वों को, धातुओं को स्थान दिया गया है। बीच में चले अपन डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, तो डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं, मैं संक्षिप्त रूप से यहां पर, संक्षिप्त रूप से इनको मैं यहां पर थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूं। उसमें देखिए इस प्रकार से परमाणु क्रमांक 20 के आगे, मैं इसको केवल संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं, इस पे परमाणु क्रमांक 20 के आगे चलेंगे परमाणु क्रमांक 21 जिसका नाम होता है स्कैंडियम, से लेकर के पूरे यहां पर देखिए, इसको अपन बीच वाले को बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व। इसको संक्रमण धातुएं कहते हैं, इसमें जितने भी आएंगे ये सभी के सभी धातु हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन है, वर्ग की बात करूं मैं तो वर्ग नंबर 3, तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक, वर्ग 12 तक क्रमशः है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सभी के सभी। यदि नाम कहा आप इसमें देखूं, इसमें तो परमाणु क्रमांक 30 जिसका नाम होता है जिंक, यहां तक। उसी प्रकार से आगे चलें तो परमाणु क्रमांक 39 जिसका नाम होता है इस प्रकार से इट्रियम, 39। इससे लेकर के आप चलेंगे आगे की ओर तो क्रमशः आपको इस प्रकार से मिलते आएंगे हमको 39 से लेकर के 48 जिसका नाम होता है केडमियम, जिसका संकेत होता है CD, ये भी सभी के सभी धातु हैं। उसी प्रकार से आगे चलें तो परमाणु क्रमांक 57 जिसका नाम होता है लेंथेनम, जिसको अपन LA लिखते हैं। उसके बाद में यहां पर फिर 72 से स्टार्ट है परमाणु क्रमांक 72, हेपनियम कहते हैं। उससे आगे आप चलते जाएंगे इस प्रकार से 80 जिसको अपन मरकरी कहते हैं, HG, ये पूरे के पूरे धातु हैं। उसी प्रकार से आगे चलेंगे तो इसी डी ब्लॉक में परमाणु क्रमांक 89 जिसका नाम होता है एक्टिनियम। उसके बाद चलेंगे इसमें तो 90 से लेकर के 103 तक के जो तत्व हैं वो आवर सारणी में यहाँ पर नीचे में स्थान है, उसके ठीक आगे 104 से यहाँ पर केवल इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, 104 से लेकर के 109, कहीं कहीं पर 113, कहीं कहीं पर 114 तत्वों को दिखाया गया इसमें। ठीक है ना, कुछ आवर सारणियों में अभी भी इस स्थान को खाली रखा गया है। तो यहाँ पर जितने भी तत्व हैं इसमें, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं, और इसको हम संक्रमण धातु कहते हैं, और इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं सभी के सभी धातु हैं। तो आइए संक्षिप्त में एक बार समझ लें, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सभी धातु हैं, डी ब्लॉक में जितने भी हैं इनको हम एक साथ क्या कहते हैं अपन, धातु हैं, और इसका नाम अलग से है संक्रमण धातु। इकट्ठा अपन यदि कहेंगे डी ब्लॉक को,
ये सब एक साथ संक्रमण धातु कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल। और आगे चले अपन, एक और ब्लॉक है जिसको अपन एफ ब्लॉक कहते हैं, और वह आवर सारणी में अलग से स्थान पर है, इसके साथ में जोड़ा नहीं गया है, इसको अपन एफ ब्लॉक तत्वों के नाम से जानते हैं। ये ठीक नीचे में एफ ब्लॉक तत्व, इसको स्मॉल एफ, अभी जितना नाम बताया मैं एस पी डी और अभी चौथा नाम एफ खंड कह रहा हूं, ये सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, एफ ब्लॉक। इसमें मुख्यतः 28 तत्व हैं। इस प्रकार से सबसे लास्ट में इसको स्थान है अलग से। यदि परमाणु क्रमांक की दृष्टि से कहूं यहां पर, तो परमाणु क्रमांक 58, इसका नाम होता है सीरियम, सी लिखते हैं, यहां से लेकर के आगे बढ़ते जाए क्रमशः 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, तो यहां से लेकर के पूरे 71 तक, परमाणु क्रमांक 71, इसका नाम होता है यहां पर एल यू, ल्यूटेशियम कहते हैं। इसको अपन एफ ब्लॉक में रखे गए, ठीक, ये भी सभी धातु हैं, जितने भी आएंगे यहां से क्रमशः, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। आगे चलें, इसको एक साथ ओपन कहते हैं, तो इसको अपन नाम देते हैं अलग से, लेंथेनाइट। क्या कहते हैं इसको, लेंथेनाइट। ये सभी धातु हैं, ठीक है। आगे चलें अपन परमाणु क्रमांक 90, जिसका नाम होता है थोरियम, टीएच, से लेकर के पूरे 14 तक आगे बढ़ेंगे क्रमशः, ऐसा 14 तत्व, तो आपको 103 तक मिलेगा, और 103 परमाणु क्रमांक है जिसका नाम होता है इस प्रकार से एल आर लिखते हैं, लावर्सियम, ठीक है। यहां से 90 से 103 तक पूरे क्रमशः, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, ये सभी के सभी धातुएं हैं, और इसको अपन एक साथ एक्टिनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनाइट। क्यों कहते हैं एक्टिनाइट, क्योंकि हम अभी पढ़े थे एक्टिनियम, देखिए इधर से एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है, उसके बाद के 14 तत्व हैं, तो एक्टिनियम के बाद वाले 14 तत्व क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट। और अभी बताया था मैं आपको इसमें लेंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, उसके ठीक आगे यानी 58 से लेकर के 71, इसका नाम लेंथेनम होता है, तो लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व क्या कहते हैं अपन, लेंथेनाइट कहते हैं, ठीक है। ये क्रमशः कितने तत्व हैं यहां पर, 14 तत्व हैं, इसमें भी 14 तत्व हैं, और एक्टिनाइड में भी कितने तत्व हैं यहां पर, 14 तत्व हैं, तो कुल मिलाकर 28 तत्व यहां पर, सभी क्या होते हैं, धातु हैं। और खास बात थोड़ा देख लें अपन, परमाणु क्रमांक 92 के बाद, 92 होता है इसी बीच में आएगा यूरेनियम, परमाणु क्रमांक यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक नाम है यूरेनियम, संकेत के रूप में यू लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 92, इसके बाद के आने वाले तत्व, बाद माने 93 से, ठीक है ना, 93 में बात करेंगे इसमें अपन नेपच्यूनियम जिसका परमाणु क्रमांक 93 होता है, यहां से पूरे 103 तक ये जो तत्व होते हैं, यानी मैं इसको इस प्रकार से ले रहा हूं, परमाणु क्रमांक 93 से 103 तक के जो 14 तत्व हैं, सॉरी 14 तत्व नहीं होंगे, कम होंगे इसमें, 93 से 103 तक के जो तत्व हैं वह प्राकृतिक नहीं होते, यह कृत्रिम तत्व हैं। कैसे तत्व हैं, कृत्रिम। इसको अपन और नाम देते हैं, कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया। प्रकृति में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, इसको नेचुरल कहते हैं, और हिंदी में प्राकृतिक कहते हैं, और एक जो प्रकृति में नहीं है उसको मनुष्य बनाता है, ऐसे तत्व, ऐसा पदार्थ क्या बोलते हैं अपन, कृत्रिम कहते हैं, आर्टिफिशियल अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो यहां पर ये सभी कृत्रिम तत्व हैं, कहां से, परमाणु क्रमांक 93 यानी 92 से आगे, यूरेनियम से आगे, इसको एक साथ बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं इसको, ट्रांस, या हिंदी में कहें अपन परा यूरेनिक तत्व, या परा यूरेनियम, परा यूरेनियम तत्व।
माने यूरेनियम से ट्रांसफर किया गया, उसको बनाया गया, ठीक है। इसको एक साथ कहें अपन लेंथेनाइट एक्टिनाइट को, तो इसको अपन और दुर्लभ मृदा तत्व, अपन नाम तो दे दिए लेंथेनाइट एक्टिनाइट, लेकिन इसको इकट्ठा अपन कहें ए ब्लॉक को, तो हम इसको क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व, एक धातु भी कहेंगे तो इसमें तत्व धातु में आ ही रहे हैं, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल। दुर्लभ माने जो कठिनाई से प्राप्त होते हैं, एक शब्द होता है सुलभ और एक उसका उल्टा होता है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब जो कठिनाई से प्राप्त हो, ठीक है ना। मृदा माने मिट्टी के समान या मिट्टी में पाए जाते हैं खास करके, ये ऐसे वायुमंडल में गैसों के रूप में नहीं होते। तो ऐसा तत्व जो प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में है और जो मिट्टी में पाए जाते हैं, ऐसे तत्वों क्या बोलते हैं अपन, दुर्लभ मृदा तत्व। यदि इकट्ठा कहें अपन एक साथ तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो कहां कहां इसमें अवसारणी में, इसमें कोई भी तत्व अधातु नहीं है न उप धातु नहीं है, सभी के सभी क्या है, धातु है इसमें। तो यह ब्लॉक हार्डवेयर को छोड़ करके, डी ब्लॉक में पूरे के पूरे हैं तत्व, एफ ब्लॉक में पूरे के पूरे तत्व धातु हैं, और पी ब्लॉक में सभी नहीं है, उसमें तीनों प्रकार के तत्व हैं, धातु अधातु और उप धातु। ये हमारे अवसारणी में कहां कहां पर धातु की स्थिति है इसके बारे में हम समझने के प्रयास किए। इसमें आइए हम आगे चलें, इसमें तत्वों के इस धातु के अंतर्गत में हमको जो समझना है उनके खुद इसमें सामान्य गुण। धातुओं के सामान्य गुण, तो सामान्य गुण के अंतर्गत हम यहां पर चलते हैं, इसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो सर्वप्रथम अपन देखेंगे तो यह मुख्यतः यदि भौतिक अवस्था की बात करें अपन, पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मूल रूप से तीन भागों में बांटते हैं अपन, ठोस, द्रव और गैस। तो जितने भी धातु हैं वह कमरे के ताप पर और कमरे के दाब पर वह मुख्यतः ठोस रूप में पाए जाते हैं। ये कमरे के ताप पर है, यदि इसको अपन गर्म करेंगे, ज्यादा ताप देंगे, कम देंगे तो स्थिति बदल सकती है, लेकिन कमरे की ताप करें माने सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने ताप पर यह कमरे के ताप पर और दाब पर यह कौन से अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे हम चलते हैं लोहा, सोना, चांदी हम घरों में प्रयोग करते देखते हैं, इसमें कमरे के ताप पर वह क्या द्रव होता है क्या, नहीं होता। गैस होता है क्या, नहीं होता। कैसे अवस्था में होती है, वो ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ पर कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो ठोस अवस्था में कमरे के ताप पर नहीं पाई जाती, जिसमें से मुख्य से यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसमें मरकरी, इसको HG कहते हैं, ठीक है, इसी को पारा कहते हैं अपन, मरकरी। उसी प्रकार से एक और है CGM, CS, जो वर्ग एक में है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं बताओ, द्रव अवस्था पाए जाते हैं, दोनों के दोनों द्रव अवस्था, मरकरी और CGM, ठीक है। बाकी इनका मूल स्वभाव इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए यह क्या है, धातु है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें दूसरा इसमें और कुछ गुण देखते हैं अपन, जैसे चालकता। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, जितने भी धातुएं हैं सभी विद्युत एवं ऊष्मा
के सुचालक, सुचालक का मतलब उसमें से हम उष्मा को संचरित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोहा को अपन गर्म करते हैं, देखे होंगे लोहार के घर में, तो एक साइड यदि थोड़ा सा भी एक साइड गर्म करेंगे तो दूसरा साइड उसका जो सिरा होता है वो भी क्या होता है, अपने आप गर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन के कारण से उष्मा का क्या होता है, संचरण होता है, ठीक है ना। तो ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। जैसे हम घरों में प्रयोग करते हैं विद्युत कनेक्शन में वायर, तो वायर में तांबा खास करके पाए जाते हैं, तो उस तांबा का जो तार है, या हम देखें यदि लोहा के कोई छड़ में अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर दें अपन, तो अपने आप जितना जहां तक वो लोहा का तार गया हुआ है सब में क्या होगा, जिसको मैं सामान्य करंट कहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब विद्युत का भी सुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है इसमें, ठीक है। आगे चले अपन, तो एक नजर थोड़ा देख रहे अपन जितने भी धातु हैं इसमें से मैं विद्युत चालकता के बारे में थोड़ा सा इंगित करता हूं। इसमें एजी जिसको क्या कहते हैं अपन बताओ, चांदी, सिल्वर, ठीक है ना। तो चांदी की जो चालकता होती है सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक। उसके बाद यदि घटते क्रम में थोड़ा सा कुछ देखें अपन, समझने का प्रयास करें, तो इसमें आपको मिलेगा तांबा, चांदी के बाद तांबा की चालकता थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद अपन और देखें इसमें तो गोल्ड, जिसको सोना बोलते हैं अपन, स्वर्ण कहते हैं, AU, इसकी चालकता होती है इससे थोड़ी सी कम होती है। और उसके आगे और अपन देखें इसमें तो ये एल्यूमिनियम, एक चार को मैं यहाँ पर नॉमिनेट कर रहा हूँ इसमें नाम से। इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी होती है, सिल्वर की होती है, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें चालकता के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलें, इसमें और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इसमें, तीसरा अपन चलते हैं गुणों को लेकर के। इसमें तन्यता, तन्यता का सीधा मतलब है जिससे तार निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तन्य होना माने इसका तार निकाल सकते हैं अपन, तार खींचा जा सकता है। जिस संक्षिप्त शब्द में कहें तो तार खींचा जा सकता है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जैसे हम लोग घरों में प्रयोग करते हुए देखते हैं सोना, तो सोना में छोटे छोटे तार बना बना करके उसका आभूषण बनाते हैं। लोहा को देखते हैं अपन, तो लोहा के तार रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम खेतों के चारों ओर कहीं कहीं पर देखते हैं तार रहते हैं, बाउंड्री वॉल में रहते हैं तार, तो तार कैसे खींचते हैं, क्योंकि उसका गुण होता है, ठीक है ना। लेकिन सभी धातुओं में तन्य नहीं होते, जैसे सोना है, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, इनमें इस प्रकार के तार नहीं खींच सकते आप सामान्यतः, ठीक है ना, क्योंकि द्रव अवस्था में होते हैं HG। इनमें तार, सोडियम और पोटेशियम में तार खींचने की संभावना नहीं होती इसमें। आगे चलें अपन, चौथा आघात वर्धनीयता, यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, आघात, आघात माने सामान्यतः चोट लगाना, ठीक है ना। यदि हथौड़ा से मारें, पीटें उसको, तो क्या होते हैं, वर्धनी होते हैं। वर्धनी का मतलब उसके आकार में विस्तार होते हैं, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उसका। जैसे सोना को बनाते हुए आपने घरों में देखा होगा, या लोहार के यहाँ जब लोहा को पीटते हैं गर्म करके तो चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस गुण को क्या कहते हैं अपन, आघात वर्धनीयता, यानी कि उसको हथौड़ा से पीटें, आघात करें उसमें, तो उसकी लंबाई चौड़ाई में क्या होती है, विस्तार होती है इसमें। ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता के गुण कहते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखें, ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है, इनमें यह गुण नहीं पाया खास करके, ठीक है ना। ये सोडियम पोटेशियम है, आप इनको यदि ऐसे हथौड़ा से मारोगे तो ऐसे आकार में विस्तार नहीं होते, आघात वर्धनी नहीं होते, वे टुकड़े टुकड़े बढ़ जाते हैं अधातु के समान, ठीक है। जैसे कोयला देखा होगा आपने, कार्बन, वो अधातु हैं, अब उसको चोट मारोगे हथौड़ा से तो टूट जाएगा, भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं वो, भंगुर होते हैं। तो इसमें
सोडियम पोटेशियम खास करके इसमें आघात और दृढ़ता का गुण नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी और हम अधिकांश जो धातुएं देखते हैं इनमें आघात और दृढ़ता के गुण पाए जाते हैं। बात करते हैं अपन इसमें कुछ और सामान्य जो गुण हैं इसमें। एक है मिश्र धातुएं बनाने की प्रवृत्ति होती है। पांचवा गुण मिश्र धातुएं, इसको अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं अपन, ठीक है ना। मिश्र माने सामान्य शब्द में मिलाना, मिश्र कर, मिक्स, जिसको अपन सामान्य शब्द मिक्स करना बोलते हैं। तो इसमें मिश्र धातु का मतलब है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं के समांग। जैसे हम लोग शक्कर और पानी को यदि घोल देते हैं तो जहां पर भी देखेंगे यदि निकालेंगे तो हमको दो ही चीज मिलेगा, पानी भी मिलेगा और शक्कर मिलेगा, तभी मीठा लगेगा वो। तो ऐसे दो या दो से अधिक धातुओं को हम यदि पिघला देते हैं और पिघलाने के बाद में इसको जब ठंडा करते हैं तो हरेक भाग में समान अनुपात में रहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, मिश्र धातु कहते हैं। तो ये धातुओं में सामान्य गुण होते हैं या मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं इसमें, इसको अंग्रेजी में अपन ब्रास कहते हैं, हिंदी में अपन इसको पीतल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पीतल है एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है थोड़ा देख लें अपन, इसमें कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं अपन, पीतल कहते हैं, ठीक है। ऐसे और ढेर सारे मिश्र धातु हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि गुणों के बारे में समझ रहे हैं तो धातुओं को खास करके जो संक्रमण धातु हैं डी ब्लॉक के तत्व, इसमें ज्यादा गुण पाए जाते हैं। बाकी यदि तत्वों की धातुओं की बात करते हैं उसके अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्वों में यह गुण सर्वाधिक होती है। अब इस प्रकार से और कई इसमें भौतिक गुण के दृष्टि देखते हैं अपन। एक होती है इसमें चमक, जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठी चमक, इसको अपन शब्दों में कहें तो धात्विक चमक पाए जाते हैं। अगला जो गुण है इसमें धात्विक चमक, धात्विक चमक का मतलब चमकते तो कई पदार्थ हैं लेकिन धातुओं में, जैसे एक सामान्य उदाहरण देखें अपन, यदि रोड में यदि पैसा पड़ा हुआ है, पैसा माने यहाँ पर सिक्का के रूप में समझ रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो हम आसानी से उसको देख लेते हैं। लेकिन वहीं पर कोयला पड़ा होगा रोड में तो आपकी निगाह उतना ज़्यादा तुलनात्मक दृष्टि से कम जाएगा, हालांकि वो भी चमकता हुआ है लेकिन ऐसा चमक जो आसानी से हमको दिख सके, तो उस अलग से उस धातु की चमक को नाम दिया गया है धात्विक चमक, ठीक है ना। तो धात्विक चमक इसमें पाए जाते हैं। जैसे सोना है यदि गिरा रहेगा तो आसानी से आप लाइट पड़ रहे होगा तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं, चांदी पड़ा होगा तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं। ये गुण को क्या कहते हैं अपन, धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से इनके बाहरी जो कोष होते हैं संयोजी कोष, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। संयोजी कोष में माने किसी भी परमाणु के जो सबसे बाहरी कोष होते हैं उसको अपन संयोजकता कोष कहते हैं या संयोजी कहते हैं या संयोजी कोष, यहां पर संक्षिप्त में लिख रहा हूं, इसमें सबसे बाहरी कोष को क्या कहते हैं अपन, संयोजी कोष, संयोजी कोष या संयोजकता कोष। तो इसमें क्रम अधिकांशतः तत्व में आप देखेंगे तो एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन मुख्यतः पाए जाते हैं इसमें। यदि बात करें वर्ग नंबर 14, अभी पिल ब्लॉक में अपन समझ चुके हैं उसके बारे में, 14 15 के जो तत्व होते हैं जो धातुएं खासकर रहते हैं इसमें, इसमें बाहरी कोष में चार और पांच क्रमशः पाए जाते हैं। लेकिन अधिकांश जो धातुएं हैं उनको छोड़ दें अपन तो कितने पाए जाते हैं बाहरी कोष में, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आप ऐसे तत्वों का वर्गीकरण करना प्रारंभ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना प्रारंभ करेंगे तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके आधार पर भी समझ सकते हैं कि धातु होगा कि अधातु होगा। तो अपन चलेंगे इसमें, आज इस कालखंड के अंतर्गत हमने धातुओं के सामान्य जो परिभाषा है उसके आवर्त सारणी में स्थान और उसके सामान्य जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में हम यहाँ पर
अध्ययन किए, आगे के कालखंड में हम उसके जो और अन्य गुण हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।